हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लोग थ्योरी प्रैक्टिस और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस मेरे माध्यम से आप लोगों को रेगुलर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे आज सीखने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर 10 मिनट में पूरा कंप्लीट। जी हाँ बिल्कुल, 10 मिनट के अंदर हम लोग कंप्लीट ट्राइंगल जो होता है वो आज सीखने वाले हैं। इसी सीरीज में हम लोग और भी वीडियोस जो हैं दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। जिस किसी का भी एग्जाम है, जो कोई भी एग्जाम है, जहां पर भी काउंटिंग ऑफ फिगर आता है, आज पूरा ट्राइंगल काउंटिंग आप सीखने वाले हो। तो सबसे पहले टाइप वन की तरफ चलते हैं। और टाइप वन जो है दोस्तों, शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा है। जब भी इस टाइप का फिगर आपको दे रखा हो, शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा हो, कोई सा भी शीर्ष हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। जैसे यहां पर इस वाले शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला दिया, जिसको अपन आधार कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि अंदर बनने वाले जो ट्राइंगल है उनको नंबर दे देना है और एड कर देना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ गए? 6। यहां पर बताइए फटाफट से क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। बस अंदर नंबरिंग दे दो और भाई साहब सभी को ऐड कर लो। कितना हो गया दोस्तों यहां पर? 15। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा, टाइप टू जो है वो क्षैतिज रेखा है। यहां पर शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा था, यहां पर दो भुजाओं को आपस में मिला रखा है। ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेड है, हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए उतने ही ट्राइंगल दें। जैसे 1, 2, तो यहां पर दो ट्राइंगल है। यहां पर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 3, तो यहां पर 3 ट्राइंगल है। यहां पर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 4, तो यहां पर 4 त्रिभुज हैं। ये आपके दो टाइप कंप्लीट हो गए। तीसरा टाइप, जब सामने वाली भुजा को ऐसे और इस तरीके से डिवाइडेड किया हो, यानी लंबवत और क्षैतिज दोनों में डिवाइड किया हो, तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि वही जो अभी आपने यहां पर किया, सबसे पहले बेस पर बनने वालों को नंबर देना है। तो बेस पर कितने खंड बन रहे हैं? 1, 2। यानी इस बेस लाइन पर अगर देखें तो 1 और 2 से मिलकर 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो सेम टू सेम इस बेस लाइन पर भी कितने ट्राइंगल बनेंगे? 1 और 2 से मिलकर 3 यहां भी बनेंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए। ठीक है, या फिर आप सिंपल सा ऐसा कर सकते हैं कि बेस लाइन पर बनने वाले खंडों को नंबर दे दीजिए और उनको ऐड कर लीजिए। कितना हो गया? 6। यानी एक लाइन से 6 ट्राइंगल बने हैं। तो टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर फाइनल आंसर आपका क्या आ गया? 18। ठीक है, ये आपका टाइप 3 हो गया। टाइप नंबर 4, जिसमें एक क्लोज्ड फिगर आपको दे रखा है, बंद आकृति दे रखी है, और उस बंद आकृति में त्रिभुजों को इस तरीके से, यानी लाइंस को इस तरीके से डिवाइड किया है कि वो एक सेंटर पॉइंट पर क्रॉस हो रही है। देखिए, एक सेंटर पॉइंट पर क्रॉस हो रही है सब जगह। तो अगर आपके पास में पोर्शन, अंदर बनने वाले पोर्शन 4 या 4 से ज्यादा अगर आपके पास में पोर्शन दे रखे हैं, तो आप अंदर वाले पोर्शंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर बनेंगे 8। यहां पर कितने बनने वाले हैं दोस्तों? 5 पोर्शन है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 10 हो गया। यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे गाइस? 12 हो जाएंगे। इस जगह देखिए फटाफट से बनाइए, कितना बनने वाला है? यहां पर 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 16 बन जाएगा। टाइप नंबर 5 के अंदर है, जब अंदर वाला ट्राइंगल बाहर वाले ट्राइंगल की सभी साइड्स को टच करे, यानी अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाली भुजाओं को सभी को टच कर रहा हो, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को 4n-3 फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर n की जो वैल्यू है दोस्तों वो है एग्जैक्ट ट्राइंगल कितने हैं। ठीक है, एग्जैक्ट ट्राइंगल यानी बनाते समय हमें कितने ट्राइंगल की जरूरत पड़ी। एन क्या है? नंबर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एग्जैक्ट 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल है ना, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। 4 × 2 − 3 कितने हो गए? 5। यहां पर एग्जैक्ट ट्राइंगल कितने हैं? 1, 2, 3 ट्राइंगल है, तो 4 × 3 − 3 कितने हो गए गाइस? 9 हो गए। यहां पर कितने ट्राइंगल हैं? 1, 2, 3, 4 चार ट्राइंगल है, तो n की वैल्यू 4 × 4 − 3 कितना आ जाएगा? 13 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपके टाइप 5 कंप्लीट। टाइप 6 देखिएगा, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर का मतलब यह होता है दोस्तों कि आधार पर अगर खंड देखें तो 3 हैं, इस लाइन पर अगर पोर्शन देखें तो 3 हैं, इस लाइन पर भी पोर्शन देखें तो 3 हैं।
प्रत्येक भुजा पर बराबर फिगर्स के माध्यम से बराबर ट्राइंगल्स जो हैं आपको दे रखे हैं। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर से काउंट करें तो 4 पोर्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी इस टाइप का सिमेट्रिक फिगर आ जाए जिसको अपन बोल सकते हैं सममित आकृति, सममित कहाँ से, सममित कहाँ से, भुजा से, सममित आकृति भुजा से, ठीक है, साइड से। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे 3 पोर्शन बन रहे हैं तो सिंपल 1 2 3 काउंटिंग कर लिया, 1 2 3 कर लिया, क्या कर लिया आपने, 1 2 3 काउंटिंग कर लिया। अब आप देखिएगा 1 को एज इट इज रखिए, उसके बाद नेक्स्ट नंबर ऐड करिए, 1 में 2 ऐड करोगे तो 3, 3 में 3 ऐड करोगे तो 6। ठीक है, 1 एज इट इज, 1 में 2 ऐड किया कितना आ जाएगा 3, फिर 3 में 3 ऐड किया कितना आ जाएगा 6, पीछे वालों को सबको ऐड कर लो, 1 3 और 6 टोटल कितना आ गया 10। अब आप क्या करेंगे, अब आप नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे वाले को ड्रॉप करेंगे, उससे ऊपर वाले को पिक करेंगे, फिर नीचे वाले को, फिर इससे ऊपर वाले को जो है ड्रॉप कर देंगे, सबसे पहले ड्रॉप पिक ड्रॉप। ठीक है, तो जिसको पिक किया उसको ऐड कर देंगे, यानी इसके अंदर 13 ट्राइंगल्स हैं गाइस। अब आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कितने, 1 2 3 4 4 पोर्शन बन रहे हैं, कितने पोर्शन है गाइस, 1 2 3 4 तो 1 2 3 और 4 ये लिख दिया नंबर, 1 एज इट इज, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया 10, पीछे जो नंबर आया उन सबको ऐड कर लो, कितना हो गया 20। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब आप करेंगे नीचे से ऊपर जाएंगे, सबसे पहले नीचे वाले को ड्रॉप करेंगे, फिर पिक करेंगे, फिर ड्रॉप किया, फिर पिक किया। ठीक है, तो जिसको पिक किया उसको और ऐड कर लीजिए, यहाँ पर टोटल हैं 27 ट्राइंगल, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। अगर आपको मजा आ रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, धमाकेदार आपको टाइप्स जो हैं इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कराते जाएंगे। टाइप नंबर 7 गाइस, टाइप नंबर 7 है जब दो माध्यिकाएं, जब दो माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को काटेगी, ठीक है, तो इसके अंदर हमेशा याद रखिएगा, दो माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं तो इसके अंदर 8 ट्राइंगल बनेंगे। देखिए इस फिगर को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3, 1 और 2 से मिलकर ये 4, 3 और 2 से मिलकर ये 5, फिर ऐसे ही देखिएगा 1 और इस खाली वाले पोर्शन से मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा तो ये बनेगा 6, 3 और खाली वाले पोर्शन के साथ ट्राइंगल बनेगा तो ये बनेगा 7, और एक बड़ा वाला पूरा बनेगा गाइस, ये पूरा बड़ा वाला बनेगा तो ये हो गया 8। तो आपको करना क्या है, एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि जब भी दो माध्यिकाएं दे रखी हैं तो 8, यानी कि अंदर अगर 1 2 3 4 पोर्शन बन रहे हैं, अगर अंदर 1 2 3 4 पोर्शन बन रहे हैं, दो माध्यिकाएं काट रही हैं तो 8, अगर अंदर आपके पास में एक पोर्शन बढ़ा दिया यानी 5 पोर्शन हो गए तो इसके अंदर 12 ट्राइंगल होंगे, और अगर एक और पोर्शन आपने बना दिया, ठीक है, तीनों माध्यिकाएं दे दी तो इसके अंदर 16 ट्राइंगल होंगे, यानी कि अगर डिफरेंस वाइज अगर चीज़ों को समझें तो यहाँ से यहाँ पर जाने पर 4, यहाँ से यहाँ पर जाने पर 4 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी जब दो माध्यिकाएं काटेंगी अंदर 4 पोर्शन होंगे तो 8 ट्राइंगल होंगे, दो माध्यिकाओं से बाद एक और आधी माध्यिका और दे रखी है ये कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 खंडों से मिलकर 12, 6 खंडों से मिलकर 16, यहां एक 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 बढ़ रहा है, यहां पर 4 4 4 का डिफरेंस हो गया, खत्म। इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएं तो टिक कर देना। इसके अलावा दोस्तों टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 कहता है ये दो स्टार हमेशा से एग्जाम में आते हैं, अगर 5 पोर्शंस बाहर की तरफ अगर आप 5 गिन रहे हो तो उसके अंदर हमेशा 10 ट्राइंगल्स होंगे, कितने ट्राइंगल होंगे, 10 ट्राइंगल होंगे, लेकिन अगर बाहर की तरफ दोस्तों इस फिगर को देखिए, बाहर अगर 6 ट्राइंगल बन रहे हैं तो दो बड़े वाले ही काउंट कर पाओगे, इसके अंदर टोटल 8 ट्राइंगल होंगे। ठीक है, तो इस वाले स्टार में 10 ट्राइंगल्स हैं और इस वाले स्टार में 8 ट्राइंगल्स हैं गाइस। ठीक है, और ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चनों के आपको सॉल्व करके बताना है कि टोटल कितने ट्राइंगल हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। ठीक है, अगर इसी टाइप के वीडियोस दोस्तों आप और भी चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ट्राइंगल वाली सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स पर,
और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।